हेलो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ यहाँ पर बोट की तरफ से आने वाला हैंडसेट, जो कि यहाँ पर वायरलेस ब्लूटूथ हैंडसेट है। जो कि यहाँ पर बोट का मॉडल जो है रॉकर्स 255R के साथ आता है, जो प्रो वर्जन के साथ होता है। तो ये जो हैंडसेट है, यहाँ पर मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, जो कि आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। और साइड से यहाँ पर बैक पर कुछ इस तरह से है। तो चलिए फ्रेंड, इसकी हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। उससे पहले फ्रेंड, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसमें क्या है फ्रेंड, आपको जो आने वाले लेटेस्ट वीडियोज हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और मैं इसी तरह की यहाँ पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जो मेरे मोबाइल इंटरनेट कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती हैं। और यहाँ पर मैं अनबॉक्सिंग के भी वीडियो मेरे आते रहते हैं, जो कि आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसे जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं, इनका अनबॉक्सिंग करते हैं पहले। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो शेयर करने पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं या ऑफलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ये दोनों आपको अवेलेबल हो जाती है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो आप प्राइस जैसा होगा वो देख सकते हैं, यहाँ पर अप डाउन रहता है। बाकी मेरा प्राइस आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, वहाँ पर क्या इसका प्राइस है वो भी मैं आपको वीडियो पर बता दूंगा। तो चलिए, इससे पहले हम ज़्यादा टाइम लें तो इसको वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसकी जल्दी से हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से पास से दिखा देता हूँ ये किस तरह से आपको लुक दिखने वाला है इसका। तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से हेडफोन दिख जाएगी, और थोड़ा यहाँ साइड में देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर मैंशन की गई है। तो यहाँ पर ब्लर हो रहा है, तो अब इस तरह से आप फोकस करेंगे। और साइड ही मैं बैक साइड में बात करूँ तो यहाँ पर बोट की तरफ से यहाँ मैंशन किया गया है स्पोर्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ के फीचर से दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको दिख जाना है CBS नॉइस। तो ये चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा, और उसके चीज़ में साइड में और भी चीज़ें दे रखी हैं। तो ये चीज़ कुछ इस प्रोडक्ट से रिलेटिव है, यहाँ पर कुछ प्राइस वगैरह मेंशन किए गए, वो आपको मैं डिस्प्ले में भी दिखा दूंगा। और साइड में कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसके मैं फीचर्स की बात कर लूँ जो कि आपको चाहिए, तो ये जो ब्लूटूथ वर्जन इसमें मिल जाता है वो 5.0 मिल जाता है, जो हाई डेफिनेशन साउंड सपोर्ट करता है। और जो सीट वाटर एंड यहाँ पर रेसिस्टेंट के साथ आता है। तो शायद ही यहाँ पर आपको दिया गया है CBC नॉइस यहाँ पर दिया गया है, और शायद में आपको ऑडियो टेक्नोलॉजी दी गई है। शायद यहाँ कनेक्ट टू डिवाइस का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, दो मोबाइल को आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर दो मोबाइल पर। और यहाँ पर आपको 10mm का दिया गया है, डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको मैग्नेटिक लॉक भी मिल जाता है, दोनों हेडफोन आपकी लगी रहेंगी आपस में। और माइक यहाँ प्लेबैक दिया गया है, म्यूजिक का प्लेबैक दिया गया है, वो 8 घंटे तक यहाँ पर बैकअप देगा ये। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिख के दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड, बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं, अब इसे जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग यहाँ पर मैंने इसको खोल लिया है, और इसको खाली इस तरह से करना है। तो फ्रेंड, जैसे कि इस तरह से हम प्रॉपर निकाल लेते हैं इसको, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ दिया गया है। तो पहले इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड की तरफ से आने वाला कुछ गाइड, और यहाँ पर एक आपको चार्जर केबल मिल जाती है, जो कि यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर साइड में आपको 3.5 का एक जैक दिया गया है, तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पर हाँ, 3.5 का आपको जैक मिल जाता है, साथ में आपको USB पोर्ट मिल जाता है, जो आपका नॉर्मली घर में चार्जर है उसको लगा कर अटैच करके इसमें चार्जर कर सकते हैं अडेप्टर में लगा के। तो चलिए, इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पर कुछ देख लेते हैं और क्या दिए गए। तो यहाँ पर कुछ यूजर गाइड दिए गए हैं, यहाँ पर आपको यूजर मैनुअल है, जो कि इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साइड में यहाँ पर आपको दिया गया है, आप इसे अलग से अगर खो जाते हैं तो आप दोबारा से इन्हें लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 पेयर दिए जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर बाई चांस खो जाता है या ख़राब हो जाता है, आप लगातार यूज करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर इन्हें अलग से एक्स्ट्रा दिया है, जिसका यूज आप कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर कुछ बोर्ड की तरफ से इस तरह से कुछ खास नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं इसमें आपको जो प्रोडक्ट से रिलेटिव है वो चीज़ दी गई। तो यहाँ पर मेनू गाइड है, इनको रख देते हैं साइड में, इनको कोई ऐसा कोई काम नहीं है। अब बाकी चलते हैं हम अपने मेन प्रोडक्ट पे। तो इसको हम निकाल लेते हैं, और कुछ आपको ये इस तरह से दिख जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूँ, तो ये जो लुक है काफ़ी फुल ब्लैक में है ये, और आपको इसके 2 कलर और मिल जाएंगे। अगर आप वो कलर लेना चाहते हैं उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसे आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, और ऑफलाइन में भी देख सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑनलाइन का लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और साइड ही यहाँ पर फ्रेंड, इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, बोट की एक ब्रांडिंग भी दिख रही है यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई। तो यहाँ पर प्रॉपर इसको इस तरह से, हाँ, तो इस तरह से फंसा हुआ है, इसको आराम से इस तरह से निकाल देना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से है ये, आपको थोड़ा क्लोजली दिखा देता हूँ। ये हल्का सा आपको रबर टाइप का, काफ़ी सॉफ्ट ये है, आपको लगाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपको काफ़ी लंबे टाइम तक इसे लगाने में
किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पर देखिए आपको मैग्नेटिक दिया गया है, जो कि इस तरह से यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर अटैच हो जा रहा है, और साथ में यहाँ पर आपको बोर्ड की ब्रांडिंग मिल जा रही है, तो जो कि यहाँ पर थोड़ा ब्लर वाला मैं आपको फोकस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको बोर्ड की ब्रांडिंग दिख जाएगी, साइड में इस तरह से लुक मिल जाएगा। तो मैं आपको सब तरफ से इसका दिखा दे रहा हूँ किस तरह से लुक होने वाला है, और काफ़ी पास से भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर तो ये चीज़ देख रहे हैं आप, इस तरह से दिख जाएगा। तो ये फुल ब्लैक है, काफ़ी मैसी डिज़ाइन में दिया गया, ये काफ़ी सॉफ्ट हो रहा है। और उसके बाद ये केबल दिखा देता हूँ, तो आपको ये फ्लैट केबल के साथ आता है, जो कि आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। तो फ्लैट केबल यहाँ पर इस तरह से दी गई है। तो फ्रेंड बाकी बात करूँ, यहाँ पर आपको बोर्ड की ब्रांडिंग जैसे मैंने बताई, और आपको यहाँ पर भी हर जगह पे बोर्ड की ब्रांडिंग दी गई है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्विचेस की। तो यहाँ पर आपको मेन जो स्विचेस मिलता है वो पावर ऑन ऑफ का मिल जाता है, और इसके ऊपर आपको जो आपका वॉल्यूम है अप डाउन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा। और साइड में आपको यहाँ पर आपका 3.5 का जैक दे रखा है, जहाँ पर आप चार्जर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक केबल भी मिल जाती है, USB केबल, जो कि आपको चार्जर 3.5 जैक के साथ मिलती है, उसे आप नॉर्मल चार्जर के साथ अटैच करके लगा सकते हैं, और इसको आप प्रॉपर बंद भी कर सकते हैं। ये जो आपका दिया गया, जब आप चार्जर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो इसे बंद कर लीजिएगा। और इसका भी मैं दिखा देता हूँ ये किस तरह से डिज़ाइन है। तो इस तरह से ये काफ़ी सॉफ्ट है, और आपको यहाँ पर काफ़ी मोटा भी नहीं है, ये इस तरह से इतना पतला है आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये आता है। और बाकी बात करें हम इस साइड में, तो इस साइड में आपको क्या उस समय यहाँ पर कोई बटन नहीं दिया है, और यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट का मार्किंग मिल जाएगी, दोनों तरफ आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ राइट का है लेफ्ट का। और बस ये जो है आपको काफ़ी इस तरह से, मैं यहाँ पर एक बार रख के दिखा देता हूँ, तो कूलर हटा देते हैं, फिर इस तरह से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो ये हेडफोन है, जो काफ़ी अच्छे बजट में आने वाला हेडफोन है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बहुत ही क्लियर साउंड देता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे पहले से भी यूज कर रहा हूँ। और इसके लिए मेरे को कमेंट आया था कि आप इसके लिए वीडियो सर बनाइए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड आप भी कुछ इस तरह के आप एयर हैंडसेट लेना चाह रहे हैं, तो ये इस बजट में आने वाला काफ़ी अच्छा है, और इसका प्राइस आपको मेरे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो आप अगर इसे लेने की सोच रहे हैं, तो आप जल्दी से इसे ले सकते हैं। और बोट में ये सबसे अच्छा क्वालिटी का आता है, और इसकी जो आवाज़ है बहुत ही अच्छी है, जब आप इसे यूज करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और जैसे कि मैं एक बार इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट करने के लिए आपको किस तरह से दिखाई देगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने एक मोबाइल ले लेता हूँ, जिस पर आपको मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा किस तरह से हो रहा है। तो चलिए फिर यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए आपको एक फ़ोन ले लेना है, उसमें आपको क्या करना है, अपना एक ब्लूटूथ ओपन कर लेना है। जब ब्लूटूथ ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा फोकस के साथ दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपको मेन ऑप्शन है, फोकस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड जैसे कि आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन जो आपको पावर ऑन ऑफ है, तो आप इसको यहाँ पर 2-3 सेकंड दबाए रखेंगे, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद यहाँ पर एक लाइट जल जाएगी, आपको इस तरह से दिख जा रही है, बिलिंग हो रही है। तो उसके बाद आप जब ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ बोट डॉकर, तो ये कनेक्ट भी ले लिया इसने, और ये हो गया है। तो इस पर मैंने क्लिक कर देना, नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, दोबारा से सर्च ब्लूटूथ पर जब आप क्लिक करेंगे, अगर आपका कनेक्ट नहीं ले रहा है, तो नीचे आपको सर्च के ऑप्शन में आपका यही नाम दिख जाएगा, बोट रॉकर, अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप दोबारा से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार मैं ब्लूटूथ इसे ऑन ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ, और जब आप दोबारा से इसे इसी तरह से करेंगे, तो जब आपका कनेक्ट नहीं होगा, तो इसे आप डायरेक्ट सर्च पे क्लिक करेंगे, और इस तरह से यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, अगर आपके में ऐसा नहीं हो रहा है, तो नीचे सर्च के ऑप्शन में यही नाम आपके आ जाएगा, बोट रॉकर, ठीक है। तो इसे आप कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो सॉन्ग वगैरह है, उसे आप डायरेक्ट यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, जो भी MP3 सॉन्ग है आपके, तो आपको उन्हें प्ले कर लीजिएगा, और इस तरह से यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद आप अपना म्यूजिक ऑन कर सकते हैं, म्यूजिक ऑन करने के बाद आप इसे प्ले करके देख सकते हैं। तो कुछ कनेक्ट काफ़ी सिंपल तरीके से हो जाता है, जो इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूँ, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मैं इसी तरह के जो वीडियोज़ हैं अनबॉक्सिंग के, वो लेकर आता रहता हूँ, और साथ ही मेरे मोबाइल इंटरनेट कंप्यूटर से जुड़ी सारी वीडियोज़ आती रहती हैं, तो उनके अपडेट्स के लिए आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।